हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम पढ़ने वाले हैं बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन में। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष बचवानी। स्टैंडर्ड 9 के बारे में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के पहले पार्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स किसे कहते हैं? कौन से हर एक इंसान के बेसिक राइट्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, जो उनका हक होता है। तो आपने बहुत बार सुना होगा ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो ह्यूमन राइट्स किसे कहते हैं? इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी तरह की डेमोक्रेटिक कंट्री हो, आज़ाद कंट्री हो, सिटीजन आर कन्फर्ड विद द बेसिक राइट्स। सबके पास बेसिक हक होते हैं, राइट्स होते हैं। अ पर्सन इज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, जिस इंसान के साथ भेदभाव ना किया जाए। किस तरह का भेदभाव? जात पात का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, काले गोरिया रंग का भेदभाव, किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। उनको जरूरत वाले बेसिक राइट, मतलब कि जरूरत वाले हक दिए जाएं और उन सबको प्रोटेक्शन दी जाए कि अगर आपके जो हक हैं अगर आपको नहीं मिलेंगे, सोसाइटी में आपको अगर जगह नहीं मिलेगी, तो उसके लिए कंट्री खड़ी होगी, कंट्री उस चीज का जवाब भी देगी। किसी भी इंसान को जन्म से वो हक मिलते हैं किसी भी कंट्री में। अगर आपका जन्म कनाडा में हुआ है या फिर इंडिया में हुआ है, चाइना में हुआ है या किसी भी कंट्री में आपका जन्म हुआ है, तो उस कंट्री के बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स आपको एंजॉय करने का पूरा हक है। आप वहां पे जस्टिस मांग सकती हो अगर आपको वहां पे राइट्स एंजॉय करने नहीं मिलते। उन बेसिक राइट्स को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स किसी भी इंसान को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, ह्यूमन राइट्स सबके लिए इक्वल माने जाते हैं। चाहे आप इंडिया से बिलोंग करते हो या किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो। ओके, इंडिया में आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, चाहे तमिलनाडु से, चाहे गुजरात से, चाहे मध्य प्रदेश से या किसी भी राज्य से या किसी भी जात पात के हो, आप सबको सिंपल और सही और एक सटीक राइट्स मिले हैं, सटीक आपको हक मिले हैं, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, इंसान के हक। ओके, अब ये हक कौन से हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो ह्यूमन राइट्स में अगर हम आगे पढ़ें इसी के बारे में, तो अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स, तो यूनाइटेड नेशन ने, मतलब कि यूएन ने जनरल असेंबली में कुछ हक, ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किए थे कि ये जो हक हैं, ये जो राइट्स हैं, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज अप्लाई करेगी, दुनिया के सारे लोगों को ये बेसिक राइट मिलने चाहिए। और यूएन ने जनरल असेंबली में ये राइट्स कब डिक्लेयर किए थे? 10 दिसंबर 1948 को इसको अप्लाई किया था, ये ह्यूमन राइट्स को। इसीलिए तब से 10th दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इवन हम इंडिया में भी 10th दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो डेट को याद रखना बहुत ही जरूरी है। कब हम ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं? 10th दिसंबर को। अगर हम बात करें फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बींग द बेसिक नीड, जैसे कि अगर हम बात करें हमारी जिंदगी को जीने के लिए कुछ बेसिक जरूरतें, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, मतलब कि थोड़ा बहुत खाना पीना, अच्छी आपकी हेल्थ हो, थोड़ी बहुत पढ़ाई हो, ओके, आपके पास कार हो, कपड़े हो, ये सारी बेसिक ज़रूरतें हैं जो हर एक इंसान को दुनिया में हर एक जगह पे मिलनी चाहिए, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। ओके, जो ह्यूमन राइट्स का एक बेसिक हिस्सा रहा है। ह्यूमन राइट्स बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंसानों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने का एक मौका मिले और वो अच्छी तरह से अपना ज़िंदगी व्यतीत करें। तो कौन से बेसिक राइट्स हैं? व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स और व्हिच आर दे, कौन से बेसिक राइट्स हैं इंडिया में, फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, कौन से हक आपको गवर्नमेंट देती है। ओके, तो ह्यूमन राइट्स व्हिच आर इंक्लूडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे राइट्स जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि संविधान में लिखे हुए हैं, उसे हम कहेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो एग्जाम में अगर 1 मार्क में पूछे तो फंडामेंटल राइट्स कैसे कहते हैं, तो ह्यूमन राइट्स जो भी इंसान के हक किसी भी कंट्री के या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उसे हम कहेंगे फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि जरूरत के हक। अब कौन से हैं कि, तो राइट टू इक्वालिटी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इक्वालिटी क्या है, मैन और फीमेल को क्यों इक्वल माना जाता है, क्यों उनको इक्वल माना जाता है और उनके बीच में कौन सी इक्वालिटी है। राइट टू फ्रीडम, आजादी, आप कहीं पे भी घूम फिर सकते हो, दोस्तों से मिल सकते हो, दैट इज द राइट टू फ्रीडम। राइट टू अगेन एक्सप्लोइटेशन, अगर कोई भी इंसान आपको मारता है, पीटता है या आपसे जबरदस्ती काम करवाता है, आपका शोषण करता है, दैट इज द राइट टू एक्सप्लोइटेशन, तो आप उसके सामने आवाज उठा सकते हो, इसी के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी तरह के धर्म को अपना सकते हो, अगर आप हिंदू और मुसलमान बनना चाहते हो तो भी बन सकते हो, आप अगर ख्रिस्ती बनना चाहते हो, जैन बनना चाहते हो, सिख बनना चाहते हो, किसी भी धर्म को अगर आप अपनाना चाहते हो तो आपका पूरा हक है, भारत के अंदर आप अपना सकते हो। लास्ट में है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, आपको किसी भी तरह का अगर न्याय चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो, और आपको अगर एजुकेशन चाहिए, अगर आपको किसी भी संस्था से एजुकेशन नहीं मिल रहा, या फिर आप किसी भी कल्चर को एडॉप्ट करना चाहते हो, साउथ इंडियन कल्चर हो, नॉर्थ इंडियन कल्चर हो, वेस्ट या फिर ईस्टर्न कल्चर हो, उसको आप एडॉप्ट कर सकते हो, आपके पास पूरा राइट है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये इम्पोर्टेंट राइट है जिसके बेस पे ये पांचों के पांच राइट्स टिके हुए हैं, इनकी मेन जो है इसी राइट्स पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कि अगर आपको इन पांचों में से कोई भी हक अगर आपको नहीं मिलते तो इसको अप्लाई करने के लिए और इसके सामने जस्टिस लेने के लिए आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। ओके, जो इन राइट्स को अप्लाई करने में आपकी हेल्प करेगी, आपको सपोर्ट भी करेगी, अगर कोई इंसान आपको ये राइट्स एंजॉय नहीं करने दे रहा तो उसको पनिश भी करेगी। इन छह राइट्स के बारे में हम जानेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट टू इक्वालिटी। सो एक्सप्लेन अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन डिटेल। इसमें सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी, जहां पे हर एक इंसान को न्याय की नजर में एक माना जाता है। ओके, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, सब लोग एक है। राइट टू इक्वालिटी में दो चीजों को इंक्लूड किया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब नियम से पहले इक्वालिटी, नियम कोई भी हो सब लोग इक्वल माने जाएंगे, दैट इज द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसके बीच में रंग का भेदभाव हो, सब लोगों को एक ही माना जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्यून हो, या फिर कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, या कोई भी नॉर्मल इंसान क्यों ना हो, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। इट इज द इंपेरेटिव दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इजी एक्सेस टू द कोर्ट। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव हुआ है, आपको आपके साथ मेल और फीमेल का या फिर किसी भी तरह का भेदभाव हुआ है आपके साथ, तो आप न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको इक्वल चांस मिलेगा न्याय मांगने का। अकॉर्डिंग टू दिस राइट अगर हम बात करें तो किसी भी इंसान को फेवरेटिज्म मतलब कि उसके रंग के हिसाब से, उसकी जाति प्रजाति के हिसाब से, उसकी भाषा के हिसाब से इक्वल माना जाएगा, उनके बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप काले हो गोरे हो, आप बहुत ही रिच हो पुअर हो, आप बंगाली बोलते हो गुजराती बोलते हो कन्नड़ बोलते हो मराठी बोलते हो, तो हमारी न्याय व्यवस्था की नज़र में आप सब लोग एक हो। इंडिया की जो न्याय व्यवस्था है, जो हमारी कोर्ट है, उसकी नज़र में सब लोग एक माने जाएंगे, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। फ्रॉम द प्यून टू प्राइम मिनिस्टर, अगर हम बात करें कोई भी प्यून हो या फिर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर दोनों ने कोई गलती की है, दोनों ने किसी भी तरह का नियम तोड़ा है, तो दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर हम बात करें तो लॉ की नज़र में मतलब कि नियम की नज़र में दोनों के दोनों सेम हो, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो या फिर हमारे देश के सफाई कोई कर्मचारी क्यों ना हो। अगर दोनों ने कोई नियम तोड़े हैं या दोनों ने किसी भी तरह का नियम का भंग किया है, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या किसी भी तरह की जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, वो दोनों को सेम न्याय देगी, दोनों को एक ही नज़र से देखेगी, उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं देखेगी। हालांकि इंडिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा छूट छाट मिलती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया के प्रेसिडेंट और किसी भी राज्य के गवर्नर, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे क्यों। सो इंडिया के प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ एक्स्ट्रा रूल्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा छूट छाट मिलती है, वो किसी भी तरह के नियमों में बदलाव कर सकते हैं और नियमों को थोड़े बहुत चेंज भी कर सकते हैं। ओके, और उनको किसी भी तरह की पनिशमेंट देने से पहले सुप्रीम कोर्ट को बहुत बार सोचना भी पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल मानी जाती है इंडिया के अंदर, बाकी सारे लोग इक्वल माने जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पे अगर हम देखें किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो, नियम सबके लिए बराबर माने जाएंगे, सब इंसान के लिए इक्वल लॉ होंगे, चाहे वो पोपाई हो या फिर उसकी दोस्त हो, सबके लिए हम लोग एक ही नियम मानेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यहाँ पे अगर हम बात करें, एवरी पर्सन शैल हैव एन इक्वल एडमिटेड टू द पब्लिक प्लेस। अब किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाओ, चाहे आप गवर्नमेंट बस यूज कर रहे हो, रोड यूज कर रहे हो, गवर्नमेंट बैंक में जा रहे हो, ओके, आप रेलवे इस्तेमाल कर रहे हो, गार्डन्स में जा रहे हो, होटल एंड रेस्टोरेंट में जा रहे हो,
या फिर आप किसी स्विमिंग पूल में जा रहे हो, तो आपके लिए सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे शॉप कैसे हैं, इक्वल है, सबके पास इक्वल राइट्स हैं कि वो बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, पर कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है वो सबके लिए इक्वल है, सब लोग उसका इक्वल इस्तेमाल कर सकते हैं। सागर, अगर हम बात करें तो किसी भी स्टेट के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर होते हैं कि वो वुमन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए अलग से नियम बना सकती है। ओके, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए सुरक्षा के संभव में हो या फिर किसी भी वुमन की सिक्योरिटी के लिए हो, तो वो यहाँ पे थोड़ा बहुत भेदभाव कर सकती है। यहाँ पे वो लोग वुमन्स को उनकी सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा जो है न्याय व्यवस्था, एक्स्ट्रा रूल्स प्रोवाइड कर सकती है, या फिर बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग से नियम भी बना सकती है कोई भी राज्य सरकार। में यहाँ पे बोल रहा हूँ किसी भी स्टेट के बारे में, चाहे वो गुजरात, MP या फिर बिहार, किसी भी स्टेट के बारे में आप ले लो, तो वो अपने स्टेट के वुमन्स के बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए अलग से नियम बना सकती है। या फिर जिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता उनके डेवलपमेंट के लिए, या फिर किसी भी SC या ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे जो हैं, या ऐसी प्रजाति के लोग हैं जैसे आदिवासी लोग हैं या निची कक्षा के जो जाति के प्रजाति के लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए अलग नियम बना सकती है। ये डिस्क्रिमिनेट नहीं माना जाएगा, ये भेदभाव नहीं माना जाएगा, ये हमारे संविधान का एक नियम है। किसी भी सिटीजन को किसी भी तरह के भेदभाव से परे रखा जाता है, चाहे वो जाति का हो, प्रजाति का हो, धर्म का हो, लैंग्वेज का हो, या उसके जन्म से लेकर जुड़ी कोई भी बात हो। ओके, गवर्नमेंट सर्विसेज में या फिर किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट में, हर एक जगहों पे उनको इक्वल माना जाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सबको इक्वल माना जाएगा, चाहे आप वेस्ट बंगाल से हो, गुजरात से हो, मध्य प्रदेश से हो, या किसी भी राज्य से हो। ओके, आप कौन सी भाषा बोलते हो, आप किस प्रजाति से हो, आपका मेन बर्थ प्लेस कौन सा है, ये सारी चीज़ें नहीं चेक की जाती, ये भेदभाव नहीं किया जाता। हालांकि गवर्नमेंट के किसी भी एजुकेशन सिस्टम में या किसी भी जॉब में SC और ST के लोगों को थोड़ी बहुत छूटछाट मिलती है, क्योंकि ये छूटछाट कौन रखता है? स्टेट गवर्नमेंट। मैंने अभी आपको बताया स्टेट गवर्नमेंट थोड़े बहुत नियमों में बदलाव कर सकती है। ओके, तो आप देख सकते हो कि आपके स्कूल में SC ST के बच्चे जो होंगे उनकी फीस जो है बाकी के कंपेयर में थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। क्यों? इनको एक्स्ट्रा राइट्स दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। सिमिलरली इनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, ताकि जो बैकवर्ड लोग, मतलब कि जो जिनकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो भी बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सके। आज अगर हम बात करें गवर्नमेंट, तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। ओके, सबका समाज एक हो। आप किसी को ये नहीं बोल सकते मुसलमान हो तो हमारे यहाँ पे मत बात करो, हिंदू हो तो हमारे एरिया में मत आओ, आप जैन हो तो आप इस सोसाइटी में नहीं रह सकते। ओके, आप बंगाली हो, आप फिश वगैरह खाते हो, तो आप हमारी सोसाइटी से बिलोंग नहीं कर सकते, या फिर हमारे एरिया में नहीं रह सकते। किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी इंसान की अगर आप भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, पर्सनल डिग्निटी, आप किसी के बारे में कमेंट पास करते हो या किसी भी इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, या फिर किसी इंसान के बीच में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, आप कहते हो कि ये बहुत ही नीची क्लास कक्षा के लोग हैं, साफ सफाई कर्मचारी हैं, गटर साफ करते हैं, तो इन लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसी किसी भी तरह की काम करने पर गवर्नमेंट या फिर हमारी न्याय व्यवस्था आपको पनिश कर सकती है, आपको सजा दे सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे नियमों के संविधान में ये सारे लोग एक हैं, सबका सामाजिक न्याय एक है और सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। किसी के भी बीच में भेदभाव, मतलब कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी पे एक अच्छी सी मूवी बनी हुई है, आप उसको देख सकते हो, सेक्शन 15 जो है अनटचेबिलिटी को शो करता है। ओके, आप सेक्शन 15 के बारे में, आयुष्मान खुराना की बहुत ही अच्छी मूवी है, आप इसको देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा किस तरह से गांव के अंदर जो है साफ सफाई कर्मचारी के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है और उनको गांव से अलग रखा जाता है। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि आप कोई भी इंसान अगर आपके रोप झाड़ता है, आपको बार बार टॉर्चर करता है, आपके धर्म के बारे में बोलता है, तो आपके पास पूरा राइट है, आप उनसे हक मांग सकते हो। टाइटल्स एंड एपिथलेट्स जो पहले के जमाने में यूज होते थे, आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी चीज़ें, ऐसी टाइटल और ऐसे एपिथेट्स जो लोगों को अलग, मतलब कि डिफरेंट शो करते हो, जो पहले के ज़माने में यूज होते थे, जैसे कि साहब जी, राय बहादुर जी, दीवान जी, खजान जी, ऐसे लोग जो हैं पहले के ज़माने में विलेजेस में हुआ करते थे। ओके, ऐसे लोग जो मेन मुखिया माने जाते थे, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था,
तो इनको लोग दीवान जी राय बहादुर जी ऐसे नाम से बुलाते थे, बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे, इनके पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से, ये सारे के सारे लोग कैसे हैं, इक्वल है। तो इनके जो एपिथेट्स हैं और जो टाइटल्स हैं इनको रिमूव कर दिया गया। अब आप उनको नाम से बुला सकते हो या फिर जी करके बुला सकते हो, बट उनको दीवान जी राय बहादुर जी नहीं बुला सकते। ओके, कोई भी वो इंसान हो, वो रिच हो या पुअर हो, सब लोग इक्वल माने जाएंगे। ओके, फिर आप गांव में आप देखोगे तो आपको बहुत सारे गरीब लोग भी मिलेंगे जो मेहनत मजदूरी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और इन रिच लोगों से बहुत सारा पैसा लेते हैं, और इनके सामने ये बार बार हाथ पैर जोड़ते हैं उनके आगे लोन वगैरह चुकाने के लिए, जिंदगी भर अपनी मेहनत चुकाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये जो भेदभाव पहले के ज़माने में होता था फार्मर्स के साथ, इसको हटा दिया गया। अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी हम सब लोग इक्वल हैं। अगर हम बात करें आफ्टर द इंडिपेंडेंस, द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फैसिलिट स्पेशल कंट्रीब्यूशन, आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन किया कि जिन लोगों के पास अचीवमेंट्स हो, जिन लोगों ने किसी भी फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया हो, तो उन लोगों को गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी, अवार्ड प्रोवाइड करेगी, जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री अवार्ड, या फिर कोई भी ऐसा आर्मी मैन हो जिसने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया हो तो उसे परमवीर चक्र भी प्रोवाइड कर सकती है। ओके, तो ये मिलिट्री सर्विसेज के रिलेटेड चीज़ें हैं परमवीर चक्र। या फिर अगर हम बात करें कोई भी म्यूजिक आर्टिस्ट हो, कोई पेंटिंग आर्टिस्ट हो, कोई एक्टर हो, या फिर कोई भी इंसान जिसने समाज को बदलने की कोशिश की हो, कोई ऐसा सोसाइटी में चेंज करने वाला इंसान हो जिसने सोसाइटी के रूपरेखा को बदल दिया हो, कोई एक ऐसा इंसान है जिसने डैम बनाया, गवर्नमेंट गाँव के लोगों को हेल्प की और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएशन देने के लिए, उनके नाम को, काम को सराहने के लिए गवर्नमेंट उनको भारत रत्न, पद्म भूषण या पद्म विभूषण से सम्मानित कर सकती है। हालांकि कुछ कुछ लोगों को स्पेशल राइट्स और स्पेशल पावर दिए जाते हैं, जैसे कि आर्मी के लोगों को जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, ऐसे ऐसे नाम से उनको रिस्पेक्ट देनी बहुत ही ज़रूरी है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑल्सो। ओके, क्योंकि ये लोग हमारी कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इन लोगों को ये वर्ड से बुलाना बहुत ही ज़रूरी है, उनको रिस्पेक्ट देना, एक्स्ट्रा पावर्स देना बहुत ही ज़रूरी है, और इनको एक्स्ट्रा पावर देने से हमारा जो राइट टू इक्वालिटी का रूल है, वायोलेशन वाला रूल है, वो नहीं टूटता। सिवाय आर्मी मैन के बाकी सारे लोग सेम हैं, बट अगर आर्मी का कोई इंसान है, अगर उसने किसी भी तरह के नियम तोड़े हैं, तो उनको पनिशमेंट देने से पहले एक प्रोसीजर होती है, डिटेल में उन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि वो लोग सही हैं या गलत हैं, क्योंकि यही एक इंसान है, यही एक ग्रुप है जो हमारी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स जो हैं अलग अलग दिए जाते हैं हर एक हमारी कंट्री में, चाहे और ये रूल किस किस को अलग मिलते हैं, तो वो है डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट्स, इंश्योरेंस एजेंसी, किसी वुमन एंड किसी भी ज्वेनल्स, मतलब कि किसी भी जज को, इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने पे, कंट्री को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए कुछ अलग अलग रूल्स मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। डॉक्टर्स को, टीचर्स को, जजेस को कुछ एक्स्ट्रा रूल्स मिलते हैं बाकी कंपेयर के लोगों के कंपेयर में। ओके, तो ये भी एक राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ रूल नहीं माना जाएगा कि जो लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, जो कंट्री को सपोर्ट करते हैं, कंट्री को एक अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इन लोगों को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करना, कुछ ज़्यादा बेनिफिट देना गलत नहीं माना जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल में एक चीज़ ये भी होती है कि अगर वो मेल और फीमेल हो, दोनों ने एक जैसा काम किया है, तो दोनों को इक्वल सैलरी या इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। अगर एक मेल ने, एक डॉक्टर ने 8 घंटे काम किया है किसी हॉस्पिटल में, सिमिलरली उसी एज के, सिमिलरली उसी टाइम ज्वाइन होने वाले इंसान ने भी 8 घंटे काम किया है, तो दोनों को इक्वल पेमेंट, इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। हालांकि उनके इंटेलिजेंस ही, उनका एक्सपीरियंस और उनके काम के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी में भेदभाव हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर गाइस अगर आपको डाउट लगा हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।